क्योंथर की राजनीति में सिद्धार्थ का दबदबा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 2023 विधानसभा चुनाव की धमाचौकड़ी ने सभी राजनीतिक जानकारों को चौंकाने का काम किया। बड़े बड़े राजनीतिक लोग भी त्योंतर सहित विंध्य की राजनीति को लेकर आश्चर्यचकित हैं कि किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन अब स्थितियां पर धीरे धीरे सिद्धार्थ हावी होना शुरू हो गए हैं। आइए विस्तार से समझते हैं। बताते चले, त्योंथर में भाजपा पार्टी ने सिद्धार्थ तिवारी राज को अपना प्रत्याशी घोषित कर पार्टी सहित अन्य दलों को भी चौंका दिया। कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा भीतर घात को शायद संभाल नहीं पाएगी। वर्तमान विधायक और टिकटार्थी नेता पार्टी से बागी होकर चुनावी गणित बिगाड़ सकते हैं और जनता के सुर भी पार्टी विरोध में लतीफे सुना रहे थे, और हो भी क्यों ना। बाहरी प्रत्याशी की छाप लिए सिद्धार्थ को बीजेपी की सदस्यता लेते ही त्योंथर की कमान संभालने का मौका देना पार्टी से जुड़े नेता और कार्यकर्ताओं की समझ के खिलाफ था। जैसे ही सिद्धार्थ बीजेपी में आए, बीजेपी कार्यकर्ताओं और वर्तमान विधायक नेता सहित कई लोगों के नाम सामने आए जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने तक की धमकी भरे लफ्जों में आवेदन वर्तमान जनसंपर्क मंत्री तक पहुंचाए। कई सभाएं भी हुई जिसमें विरोध स्वरों को नई दिशा दी गई। कई लोगों ने ये भी अनुमान लगाया कि त्योंथर से कई बीजेपी के बागी नेता निर्दलीय प्रत्याशी या किसी अन्य राजनीतिक दलों से प्रत्याशी बनकर सामने आ सकते हैं। उदाहरण के लिए देवेंद्र सिंह ने बहुजन समाज पार्टी को चुना और प्रत्याशी भी बने, लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि वर्तमान विधायक त्योंथर के स्वर धीरे धीरे सिद्धार्थ पक्ष में जाने लगे और वो कार्यकर्ताओं से पार्टी के निर्णय को स्वीकार करने की बात कहते सुनते देखे जाने लगे। धीरे धीरे कार्यकर्ताओं ने भी सिद्धार्थ को अपनाना शुरू कर लिया, पर अभी तक पूर्व मंत्री रमाकांत तिवारी के पुत्र तिवारी लालजी विरोधी स्वरों में ही पार्टी के निर्णय पर सवाल उठाते रहे, जिसको लेकर असमंजस की स्थिति जस की तस बनी रही। बीते दिनांक को जिलाध्यक्ष अजय सिंह और वर्तमान सांसद विधायक के नेतृत्व में गढ़ी त्योंथर और रायपुर सोनौरी तीनों मंडलों में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए गए, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में मंत्रासीन पदाधिकारियों ने सिद्धार्थ तिवारी की जमकर तारीफ और आने वाले चुनाव में सभी को एक होकर विरोधियों दलों को हराने की बात कही। और खुद श्यामलाल द्विवेदी जी ने सिद्धार्थ की महिमा मंडन में अपने गायक के अंदाज में कुछ लाइन भी गाई। सिद्धार्थ ने खुद कार्यकर्ताओं से कहा कि मैं परिवार में नया हूं, इसमें कोई संदेह नहीं, पर यकीन मानिए मैं सीखता और समझता बहुत तेजी से हूँ। जितना सम्मान मुझे इस एक सप्ताह में बीजेपी से मिला, उतना मेरे परिवार द्वारा 50 साल कांग्रेस की सेवा करने में भी नहीं मिला। उनके इन विचारों का समर्थन सांसद जी ने भी खूब किया और कहा कि सिद्धार्थ को लेकर जो असमंजस है कार्यकर्ताओं के मन में वो लाजमी है, लेकिन किसी भी कार्यकर्ता की मानहानि सिद्धार्थ द्वारा यदि की जाती है तो इसके जिम्मेवार मैं खुद को मानूंगा। आप लोग पार्टी की निष्ठा से मदद करें और भाजपा को जीत दिलाने का काम करें। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में सभी पार्टी कार्यकर्ता मौजूद नहीं थे, खासकर वो जो तिवारी लाल के समीपस्थ हैं, जिससे आगे की तस्वीर साफ नहीं थी। लेकिन बीती रात को राजेंद्र शुक्ला जी का तिवारी लाल के आवास चाकघाट पहुंचकर घंटों परिवार के लोगों को समझाइश देना पार्टी के डैमेज कंट्रोल का नजरिया उजागर करता है। तिवारी लाल के समर्थकों को संबोधित करते हुए राजेंद्र शुक्ला जी ने सिद्धार्थ के सामने ही ये कहा कि तिवारी लाल और उनके समर्थकों का सम्मान उसी हमेशा उसी तरह होगा जैसा होना चाहिए। मुझे मुख्यमंत्री जी ने भेजा है और कहा है कि आप लोगों को संतुष्ट करिए कि अगर सिद्धार्थ कोई गलती करते हैं तो उसके लिए बैठा हूँ। राजेंद्र शुक्ला की इस मीटिंग का परिणाम कितना सार्थक है ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा, लेकिन तिवारी लाल और उनके समर्थकों को राजेंद्र शुक्ल के इस समझाइश देने के लहजे से स्पष्ट होता है कि अब तिवारी लाल भी मैदान में नहीं आएंगे। उन्हें भी मनाने में पार्टी सफल रही। कुछ जानकारों की माने तो लोगों का कहना है कि पार्टी ने समझाने के साथ साथ इन सभी लोगों पर दबाव भी बनाया है, क्योंकि भय बिन होए न प्रीत। एक तरफ जहां भाजपा अपने ही उठापो को संभालने में व्यस्त है, वहीं अन्य दलों के प्रत्याशी जनता के बीच जोर तोड़ से प्रचार प्रसार करने में मस्त है। भाजपा और सिद्धार्थ के सामने सबसे बड़ी समस्या बनकर पार्टी से जुड़े लोग ही खड़े हुए हैं। सिद्धार्थ के लिए अपने निजी कार्यकर्ता जो अभी भी कांग्रेस की सदस्यता में है और कार्य भाजपा के लिए कर रहे हैं, और जो पहले से भाजपाई हैं, उनमें सामंजस्य बिठाना मुश्किल हो रहा है। और सिद्धार्थ इस समस्या का यदि जल्द से जल्द कोई असरदार इलाज नहीं ढूंढते तो स्थितियां गंभीर हो सकती हैं। अब क्या होगा, कैसे होगा, ये तो समय तय करेगा और तय करेगी त्योंथर की जनता। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी से हटकर देवेंद्र सिंह का बहुजन में जाना, सिद्धार्थ का भाजपा में आना और कांग्रेस का तीसरी बार भी रमाशंकर पर ही भरोसा जताना कितना सही या गलत था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।